स्टार्ट करते हैं क्लास सेवेंथ चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के पार्ट टू से। पार्ट वन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। टेक अ स्लेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल। एकदम क्लीन टेस्ट ट्यूब लीजिए या फिर एक ग्लास की या फिर एक प्लास्टिक बॉटल लीजिए। मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल। अब आप क्या करोगे, उसकी लिड पे एक होल बना दोगे और उसको बॉटल पे फिक्स कर दोगे, ठीक है, किसको, जो टेस्ट ट्यूब है उसको। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। अब आप क्या करोगे, बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो लाइम वाटर होता है ना, उसको आप लोगे किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब में। अब इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन द लाइम वाटर। उसके बाद एक स्ट्रॉ को आपको इस तरह से इंसर्ट करना है लिड से कि वो डायरेक्टली लाइम वाटर में जाके गिरे, ठीक है। नाउ ब्लू जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स। उसके बाद आप क्या करोगे, धीरे, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, धीरे धीरे से आप उसको जेंटली बहुत हल्के हल्के से ब्लो करोगे। इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर। क्या आपको ऐसा कुछ लगा कि जो लाइम वाटर जैसा दिखता है उससे अब अलग दिख रहा है, क्या आप इस चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हो। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। हमें ये तो पता है कि जो भी गैसेज हम लेते हैं, लाइक जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, हम अलग अलग तरह की गैसेज को इनहेल करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम क्या एक्सहेल करते हैं। डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेज अलॉन्ग विद इट। तो क्या सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, या फिर कई सारी मिक्सचर ऑफ गैसेज को। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट्स सर्फेस। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम। यानी कभी आप एक मिरर के ऊपर एक्सहेल करने की कोशिश करना, सांस छोड़ने की कोशिश करना, आप लोग नोटिस करोगे कि क्या होगा, उस पर हल्के हल्के से ड्रॉपलेट से एक मॉइस्चर जैसा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, कहाँ से आया। नाउ बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन इट्स लंग्स। ओके, ये एक चीज़ हो गई। नाउ ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज दैट इज़ प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। अगर डेली हम प्राणायाम करें, जो कि एक योगा की एक्सरसाइज होती है, तो क्या होगा, हमारी जो कैपेसिटी है लंग्स की ज़्यादा एयर लेने की, वो बढ़ा देगा। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। फिर क्या होगा, बॉडी सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। नाउ यहाँ पे जब आपने देखा तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम लाइम वाटर पे अगर एक्सहेल करते हैं तो वो मिल्की टर्न हो जाता है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इनहेल एयर में क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक्सहेल्ड एयर में 16.4% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जो हम एक्सहेल और इनहेल करते हैं। नाउ एनिमल्स के अंदर ब्रीथिंग कैसी होती है वो देखेंगे हम। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लॉयन, काउस, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, दे ऑल हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बींग्स। यानी इन सारे एनिमल्स के पास क्या होता है, इनके पास लंग्स होते हैं इनकी चेस्ट की कैविटीज में, जिसके जैसे ह्यूमन बींग के होते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कैसे करते हैं, Do they also have lungs like those of human being? अब हम देखेंगे कि क्या इनके पास भी, मतलब जिस तरह हम ब्रीथ करते हैं, लंग्स वैसे ही ब्रीथ करवाने में हेल्प करते हैं। कॉकरोच, एक कॉकरोच जो होता है वो बहुत ही छोटी छोटी सी ओपनिंग होती हैं उसकी बॉडी के साइड में, ठीक है। और इंसेक्ट्स जितने भी हैं सबकी बॉडी में कुछ छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इन ओपनिंग्स को हम लोग स्पायरिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके पास नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होता है, जिसे ट्राकिया बोलते हैं, फॉर गैस एक्सचेंज। यानी कि इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, बहुत सारी एयर ट्यूब्स होती हैं, ऐसा नेटवर्क होता है जिससे वो गैस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पायरिकल्स इनटू द ट्राकियल ट्यूब, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब देखो क्या हुआ, उनकी बॉडी पे छोटे छोटे से होल्स हैं जिसको स्पायरिकल्स बोलते हैं। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, धीरे धीरे उन स्पायरिकल्स के थ्रू वो कहाँ पहुँच गया, ट्राकियल ट्यूब्स में, और उसके बाद वो क्या हुआ, बॉडी टिश्यू में डिफ्यूज हो गया और हर पार्ट, हर सेल तक पहुँच गया। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल से, वो कहाँ जाता है, ट्राकियल ट्यूब्स में, और उसके बाद स्पायरिकल के थ्रू बाहर निकलता है। जो चीज़ इन्हेलेशन के टाइम हुई थी, वही चीज़ आपकी एक्सहेलेशन के टाइम हुई कि जस्ट उल्टा हो जाएगा प्रोसेस। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जो ये स्पायरिकल्स की बात हुई है या फिर और ट्यूब्स वगैरह की बात हुई है, ये सिर्फ इंसेक्ट्स में होता है और किसी एनिमल में नहीं होता।
ठीक है, अब अर्थवर्म की बात कर लेते हैं। चैप्टर 9 अगर आपने 6th में पढ़ा है तो अर्थवर्म अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, जो अर्थवर्म की स्किन होती है थोड़ी घीली सी होती है और स्लाइमी होती है छूने पे आप देखोगे तो ऐसी स्किन से गैस इजीली पास कर जाती है। दो फ्रॉग्स हैव पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग, दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। वैसे तो जो फ्रॉग्स हैं उनके पास क्या होता है, लंग्स होते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपनी स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं। फ्रॉग्स को दो तरह से ब्रीथिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक पानी के अंदर और एक पानी के बाहर। ठीक है, नाउ ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब यहाँ पे एक है, बूजो ने ये देखा है टेलीविजन प्रोग्राम्स पे कि जो वेल्स और डॉल्फिन्स होते हैं वो वाटर सरफेस पे आते हैं और इनफैक्ट वो वाटर का फाउंटेन भी कई बार रिलीज करते हैं ऊपर आते हुए। ऐसा क्यों होता है? नाउ उसके बाद अंडर वाटर हम बात करेंगे ब्रीथिंग की। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? कई ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और वहाँ पे ईजिली ब्रीथ कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं अब हम देखेंगे। हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो फिश के गिल्स होते हैं वो उसको ऑक्सीजन जो पानी में मिली हुई होती है ना, पानी में जो ऑक्सीजन मिली होती है वो यूज़ करने में हेल्प करते हैं। क्या गिल्स? गिल्स क्या होते हैं? प्रोजेक्शंस। यहाँ पे देखो, दीज आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, जैसे उठा सा स्ट्रक्चर होते हैं। और आप ये सोचोगे कि गिल्स कैसे हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में? गिल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स आते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो पाते हैं। जैसे लंग्स पे, हमारी लंग्स की आउटर सरफेस पे हमारी अलग अलग मतलब ब्लड वेसल्स कॉन्टैक्ट में होती है, सेम वे गिल्स में क्या होता है, बहुत अच्छे से सप्लाइड होते हैं क्या, ब्लड वेसल्स, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लासेस। यानी कि और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की तरह जो प्लांट्स हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन एयर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर छोड़ते हैं। देखो, प्लांट्स जो एक्चुअल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं? फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, अपना खाना बनाने के लिए। बट जो अगर एक्चुअली रेस्पिरेशन की बात करें तो प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें और ऑक्सीजन लें। उनको सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। ठीक है, जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स में होता है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स के अंदर हर एक पार्ट, चाहे कोई भी पार्ट हो, हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन ले सकता है एयर में से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा। आपने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ा है कि जो लीव्स होती हैं प्लांट्स के में, जो लीव होती है उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको स्ट्रोमेटा बोलते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो पाते हैं। ठीक है, पहली ये जानना चाहती है कि जो रूट्स हैं अंडरग्राउंड, क्या वो भी ऑक्सीजन लेती हैं? नाउ लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट, द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। जैसे कि प्लांट के सारे पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऐसे रूट सेल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। रूट क्या करती है, रूट एयर लेती है कहाँ से, एयर में से। रूट एयर लेती है कहाँ से, एयर स्पेसिस जो सॉइल पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। देखो ध्यान से देखो, जैसे सॉइल पार्टिकल है ये, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, समझ लो ये सॉइल पार्टिकल है ये, तो ये जो एयर स्पेसिस आपको बीच में से दिख रही है ना, इसके थ्रू से क्या होता है, रूट हेयर जो रूट है वो एयर ले पाती है। ठीक है, नाउ कैन यू गेस वॉट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। ओवर वाटर्ड अगर आप कर दोगे तो उसको रेस्पिरेशन में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। ठीक है, प्लांट को जो भी वो एयर उसका एक्सचेंज होता है उसमें प्रॉब्लम होगी, रूट्स को स्पेशली, तो वो भी करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर वाटर भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्या होता है, रेस्पायर करने के लिए, रेस्पायर करता है ताकि वो एनर्जी मिले जो भी उसको अपने सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है। कुछ टर्म्स हमने देखी थी, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन के साथ जो रेस्पिरेशन होती है बिना ऑक्सीजन के, ब्रीथिंग रेट जो हम एक मिनट में ब्रीथ लेते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, डायफ्राम एक्सहेलेशन छोड़ना,
गिल्स, लंग्स, इन्हेलेशन, स्पायरिकल्स जो इंसेक्ट्स में होते हैं, ट्रैकिया एंड रिब्स. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. और ये था हमारा पार्ट टू चैप्टर 10 का, जिसमें हमने पढ़ा रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में, ब्रीथिंग प्रोसेस के बारे में, और रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग किस तरह से होता है बाकी ऑर्गेनिजम्स में और प्लांट्स में. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. पार्ट वन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आपको कोई भी चैप्टर देखना है सेवन्थ क्लास का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए. प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.